नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू IGM कोचिंग इंस्टीट्यूट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो कल मैंने वीडियो डाला था उसका नेक्स्ट पार्ट होगा। मैंने कल 31 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे, उसके बारे में हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, तो जान लेते हैं। जो व्यक्ति हमारे चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, जान लेते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक दोस्तों एक बार जरूर शेयर कर दें, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए फ़ायदा दिया गया है। जिनमें से कौन सा एक भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे, थोड़ा स्पीड से देखेंगे। ठीक है, तो ये कुचिपुड़ी है, मणिपुरी है और उड़ीसी है। ये तीनों हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं, लेकिन रासलीला और नृत्य नहीं है। ठीक है, तो आंसर इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिटिल कार्पोरल के नाम से कौन जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं लिटिल कार्पोरल के बारे में दोस्तों, तो इसको ये इसका नाम प्रसिद्ध है नेपोलियन बोनापार्ट का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो बताना है हमें जो अनुच्छेद 32 है, इसे हम लोग संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा था भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है, तो ये हमारा मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। इसी के तहत हम लोग हाईकोर्ट या फिर उच्च न्यायालय जाते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट जाते हैं। ठीक है, तो 34 का आंसर हो जाएगा सी। भारत सरकार अधिनियम 1919 की जाँच के लिए कमीशन भेजा गया था। दोस्तों अगर हम बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 की, तो मार्ले मिंटो 1909 और चैम्सफोर्ड भेजा गया था 1919 में। मार्ले मिंटो 1909 और चैम्सफोर्ड भेजा गया था 1919 में। ठीक है, तो आंसर फीफा 2014 विश्व कप में जर्मनी ने फाइनल में पहुंचने के लिए सेमीफाइनल में किसको हराया था। बताना है कौन से देश को हराया था, तो 36 में हराया था हमारा ब्राज़ील को। ठीक है, तो आंसर इसमें ब्राज़ील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसकी गति तीव्रतम उच्च स्पीड है। बताना है ऑप्शन अकॉर्डिंग देखेंगे हम लोग, बुलेट ट्रेन, ध्वनि, सुपरसोनिक जेट। दोस्तों सबसे अधिक होती है सुपरसोनिक जेट की गति। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दो व्यक्ति की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं, उस व्यक्ति की त्रिज्या ज्ञात की है जिसकी परिधि दो व्यक्तियों की परिधि के योग के बराबर है। ठीक है, तो ये हमें दो वृत्त दिए गए हैं। ठीक है, ऐसे दो वृत्त मान लेते हैं हम लोग। इसकी हमें RR दी गई है, 1 की 19 दी गई है, 1 की 9 दी गई है। ठीक है, तो इन दोनों के योग की परिधि के बराबर तीसरा व्यक्त हमारा उस व्यक्त की त्रिज्या ज्ञात की जिसकी परिधि दो वृत्तों की परिधि के बराबर। ठीक है, तो 2πr बराबर 2πr। ठीक है, इन दोनों व्यक्त की हम योग, इन दोनों व्यक्त का योग इसके योग के बराबर है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं हम लोग, 2 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, 22/7 और आर दी गई हमें 19 और 9, टोटल करते हैं कितना आता है हमारा 28। ठीक है, ये 28 आ जाती है और यहाँ पर दिया गया है हमारा 2π और R। ठीक है, तो हमारा ये पाई से पाई कट जाएगा, डायरेक्ट काट देते हैं, 2 से कट जाएगा 2 बार। ठीक है, तो R बराबर हमारा कितना आ गया 28। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो 28 यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस मुगल शासक ने जजिया पुनः लगाया था। दोस्तों हमारा जो औरंगजेब था, इसने दोबारा जजिया लगाया था, तो आंसर हो जाएगा हमारा औरंगजेब। ठीक है, मेरिनो भेड़ पालन मुख्य पशुचारी कार्य है। जो मेरिनो भेड़ है दोस्तों, ये हमारे कौन से देश में पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया या फिर तुर्की या फिर डेनमार्क। तो 40 का आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, ये हमारी पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, सबसे छोटे दिन वाला ग्रह है, बताना है हमें सबसे छोटे दिन वाला कौन सा ग्रह है, तो हमारा है शनि। ठीक है, तो आंसर होगा इसमें 41। नासा के प्रसिद्ध अंतरिक्ष दूरदर्शी यंत्र का नाम क्या है। दोस्तों आपने सुना होगा नासा के बारे में, जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, और इसकी सबसे प्रसिद्ध हवल दूरबीन के नाम आपने सुना होगा, हवल दूरबीन के नाम से जान, बहुत ही फेमस दूरबीन है ये उसकी। तो आपने कई बार करंट अफेयर में पढ़ा होगा हवल के बारे में, तो इसका आंसर हो जाएगा हवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर स्वच्छ छात्र परीक्षा में भाग लेते हैं यदि लड़कों की संख्या से 40 अधिक है, तो परीक्षा में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने मान लिया बॉय हैं और गर्ल हैं, इसमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में, लड़कों की संख्या से 40 अधिक है, लड़कियों की संख्या, तो ये एक्स है और एक्स प्लस 40 अधिक है। ठीक है, ये आता है हमारा टोटल है 100, तो एक्स का मान निकाल लेते हैं हम लोग, तो 2x बराबर आता है 60। ठीक है, 2x बराबर कितना आता है 60, तो x बराबर कितना आता है 30। ठीक है, तो पूछा क्या गया है हमारा लड़कों की संख्या, तो 30 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। ए और बी की आयु का युग 55 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात 6:5 है, ए की आयु बताना है, तो 55 का हम निकाल लेंगे डायरेक्ट अनुपात में, अनुपात युग क्या है हमारा 11। ठीक है, तो 11 बना 55, 6×5=30 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका 30।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति की, अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति होगा, और इसका जो राष्ट्रपति को पद दिलाता है हमारा भारत का मुख्य न्यायाधीश, जो कि अनुच्छेद 124(1) के भारत का मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एंटीमनी का प्रतीक क्या है, बताना है संकेतांक, तो SB है, ये हमारा एंटीमनी का प्रतीक होता है। ठीक है, कौन सा प्राकृतिक तंतु नहीं है, बताना है हमें कौन सा प्राकृतिक तंतु नहीं है, तो इसमें जो रियान है ये हमारा कृत्रिम है, ये प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, तो आंसर होगा हमारा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 120 प्रत्येक 120 रुपये प्रत्येक के हिसाब से 60 भेड़ खरीदता है, तो 120 रुपये के हिसाब से खरीदता है 60 भेड़। ठीक है, तो इसमें गुणा कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भेड़ खरीदता है 150 रुपये प्रत्येक के हिसाब से 40 भेड़ खरीदता है, दूसरे प्रकार के 150 और 40। ठीक है, अब क्या हुआ आगे, आगे 10 भेड़ मर जाती हैं, यदि वह 800 रुपये का लाभ कमाना चाहता है तो शेष भीड़ का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। इसको दोस्तों हम करती हैं, गुणा करती हैं तो यह आता है 15×60 6000। ठीक है, यह आता है हमारा 2672। ठीक है, 1200 का इसमें डिफरेंस है दोनों अमाउंट पे देखा जाए तो। पूछा गया हाँ दोस्तों, ये हमारा क्रय मूल्य सॉरी, और ये हमारा विक्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना है हमारा 7200 रुपया है, ये हमारा 60 का है। ठीक है, लेकिन ये हमारा 40 का है। इसके बाद हमारा 10 भेड़ हैं मर चुकी हैं, तो हमारी टोटल भीड़ तो हमारी 40 का ये मूल्य है, और 10 ये हमारे 50 है, हमारी टोटल यहाँ 50 होगी हमारी कुल भीड़ें। ठीक है, और 10 हमारी भीड़ें मर चुकी हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी भीड़ें कितनी खरीदी टोटल 60। ठीक है, तो 10 भीड़ें बची हैं ओनली हमें, और हमें 800 रुपये का लाभ कमाना चाहना है, तो दोस्तों इसमें 800 का लाभ तो इसमें 8000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 8000 रुपये हो जाएगा, और ये हमारा है 6000 रुपये, तो अंदर कितने का है 2000 रुपये का, और 10 भीड़ें बची थी हमारी। ठीक है, तो 2000 रुपये की हैं, 10 भीड़ें बची हैं, 10 का भाग दे दो तो 200 आता है, तो एक भीड़ को हमें 200 रुपये में बेचने पड़ेगा। ठीक है, तो इसी पूछा गया था तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा 200 रुपये। मौलिक कर्तव्यों का स्रोत कौन सा देश है, दोस्तों अगर हम बात करते हैं भारत की मौलिक कर्तव्य की जो भाग 3 है, ये मौलिक कर्तव्य बताता है, और 50 51 ये हमारा मौलिक कर्तव्य के बारे में बताता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा रूस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे जो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं USSR या फिर रूस लिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राहुल 5 प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की 500 रुपये उधार लेता है, 4 वर्षों की पश्चात ऋण चुकाता है, और उसके लिए कितनी राशि चुकानी पड़ेगी। तो 500 रुपये लेता है, और हमारा क्या हुआ 4 वर्ष हो गया, 5×20, तो डायरेक्ट हम परसेंटेज से करते हैं ये क्वेश्चन, 120% निकाल दीजिए आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 12×5=60 600 रुपये आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायु प्रकीर्णक बीजों में होता है, वायु प्रकीर्णक बीजों में क्या होता है बताना है हमें, तो इसमें होता है हमारा पंख और बाल। ठीक है, तो आंसर हो जाए ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 552 किलोमीटर की एक यात्रा में 6 दिन लगते हैं, इसी हम लोग करेंगे तुलना के अनुसार। ठीक है, इसका हम बैलेंस कर देते हैं, 552 6 दिन में जाते हैं। ठीक है, तो 1012 कितने दिन में जाएंगे, एक्स का मान इसका आप भाग दे दीजिए, 552 6 का भाग दे दीजिए, बराबर जो राशि आती है वो भाग दे दीजिए 1012 में, तो एक्स का मान निकल आएगा। ठीक है, एक्स का मान आएगा 11, तो आंसर हो जाएगा हमारा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था। अगर हम बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की, हमारा मुंबई के ग्वालियर टैंक से हुआ था, मुंबई के ग्वालियर टैंक में हमारा ये 8 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने ये शुरू किया था। दोस्तों इसी आंदोलन में एक क्वेश्चन और बनता है, मजरी सेना और बानर सेना का यूज भी हुआ था, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1942। कोई टावर परछाई 432 मीटर लंबी है, उसी समय एक व्यक्ति जो 2 मीटर ऊंचा उसकी परछाई 6 मीटर लंबी है, टावर की कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये आपको करना है, तो ये आपको होमवर्क है। ठीक है, आप करिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित स्थानों में से एक बंदरगाह नहीं है, ठीक है भाई कौन सा है, चेन्नई बंदरगाह है, और हमारा कोचीन में बंदरगाह है, बेजांग में बंदरगाह है, ठीक है, लेकिन बेंगलोर में बंदरगाह नहीं है। ठीक है, तो नहीं पूछा गया था, आंसर हो जाएगा डी। एकार्टिक्स किसका अध्ययन है, अगर हम बात करते हैं एकार्टिक्स की, तो ये हमारा किसका अध्ययन है, ये हमारा धोनी का अध्ययन है, आंसर हो जाएगा हमारा धोनी। देश में चाय का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा है, अगर हम बात करते हैं देश में हमारे सबसे अधिक चाय कौन सा उत्पादन होता है, तो असम में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, दूसरा नंबर हमारा कहता है कर्नाटक। ठीक है, पश्चिम बंगाल भी होता है,
दूसरे नंबर सॉरी सॉरी दूसरे नंबर पश्चिम बंगाल है, तीसरे नंबर कर्नाटक है, ठीक है, पहला नंबर असम है। 43 43 596 कि 10020 10020 स्थान पर कौन सा अंक है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10000, चार है हमारा जो अंक है, 10000 भी अंक है, ठीक है, तो आंसर होगा हमारा चार। चावल और गेहूं है दोस्तों, जो चावल और गेहूँ हैं ये दोनों अनाज हैं, तो आंसर हो जाएगा अनाज। नेक्स्ट हमारा सिख धर्म की स्थापना कब हुई थी? इस क्वेश्चन करने के लिए दोस्तों आपको अकबर का याद होना चाहिए, तो लगभग अकबर कब था? 1500 के बाद ही था, तो आंसर हो जाएगा 1500, ठीक है, 1500 में सिख धर्म की स्थापना हुई थी, ठीक है। विश्व जब सूर्य ऊर्ध्वाधर रूप से पृथ्वी के विषुवत रेखा के ऊपर होता है और दिन और रात समान रूप से लंबे होते हैं, वर्ष में कितनी बार होता है? ये हमारा दो बार होता है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए आपको, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए, इसे इक्विनिक्स बोलते हैं, ठीक है। बाबा आमटे प्रसिद्ध समाज सुधारक मुख्य रूप से किन लोगों के कल्याण से संबंधित थे? तो बाबा आमटे हैं दोस्तों, ये हमारे बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और ये हमारे क्षय रोग वालों से संबंधित थे, ठीक है, तो 62 का आंसर हो जाएगा ए। निम्न में से कौन सा ठंडी जलवायु के लिए अनुकूलन है? दोस्तों जो ठंडी जलवायु के लिए अनुकूलन है पूछा गया है यहाँ पर, तो मोटी जो चर्म होती है, मोटी खाल, ये हमारी ठंडी जलवायु के लिए अनुकूलन है। इसकी वजह से मोटी खाल की वजह से, मोटी चर्म की वजह से, वो जो जिसकी मोटी चर्म होती है जंतुओं की, वहाँ जो जीव जंतु होते हैं वहाँ के, उससे उन्हें राहत मिलती है, ठंड नहीं लगती है, ठीक है, तो आंसर भी हो जाएगा। फेफड़ी किस में श्वसन अंग है? दोस्तों बताना है फेफड़ी कौन सी चीज़ में रहती हैं, बताना है, ऑप्शन अकॉर्डिंग देखेंगे हम लोग, तो मछली में हमारे फेफड़े हैं, या फिर केंचुआ में है, या फिर चट्टा में है, कौआ में है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अगर हम बात करते हैं विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप की, तो सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा एशिया ही है, तो आंसर हो जाएगा एशिया। निम्न में से कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है? अगर हम बात करते हैं सभी रंगीन यौगिक कौन बनाता है, कौन सा तत्व है, तो वो हमारा है क्रोमियम, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 2 2 3 * 4 3 1। इसको दोस्तों 9 से विभाजित करना है, तो 9 से विभाजित करने के लिए एक ट्रिक होती है, क्या होती है कि सभी अंगों का 9 होना चाहिए, ठीक है, तो ऐसे हम लोग कर लेते हैं, 4 और 3 कितना होता है 7, 7 2 9, 3 अंक काट देते हैं हम लोग, इनका योग 9 हो रहा है, तो ये 9 से कटेगी, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर, 2 और 3 कितना होता है 5 और 1 6, और स्टार के लिए कितना होना चाहिए 9 के लिए, तो 6 तो हो गया है, स्टार के लिए क्या चाहिए 3 और चाहिए, तो 9 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ए। नहीं अगर आपको समझ में आया है तो 3 रख के भी काट लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस स्थान पर 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है? अगर हम बात करते हैं ऑप्शन अकॉर्डिंग, मेलबर्न, मास्को, मैड्रिड या मद्रास, तो कहां पर होता है ये, तो ये होता है हमारा मैड्रिड में। मैड्रिड कहां है बताइएगा आप लोग कमेंट करके। तप्तम तारे का रंग होता है, तप्तम मतलब अधिकतम तारे का रंग, जो सबसे गहरा, जो सबसे तेज, एक तरह से कह सकते हैं सबसे अधिक जो गर्म होता है, उस तारे का रंग होता है नीला, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। तो तप्तम तारे का रंग होता है हमारा लाल होता है, ठीक है, तो 69 का आंसर हो जाएगा यह हमारा ए। वायु में पाई जाने वाली मुख्य गैस कौन सी है जिससे हम सांस लेते हैं? ऑक्सीजन है, सब लोग जानते होंगे। किसी मानचित्र पर 100 किलोग्राम को 1 सेंटीमीटर में दर्शाया जाता है, तो 3 सेंटीमीटर द्वारा दर्शाई जाने वाली दूरी है, इसको हम करेंगे बैलेंस इक्वेशन से। 1001 है तो हमें बताना है 3 क्या होगा, तो ये एक्स का मान करके क्रॉस मल्टीप्लाई करती हैं तो आता है एक्स का मान 3000, ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, तो यहाँ पर 3000 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है हमें निम्नलिखित आंकड़ों का परास क्या है? दोस्तों परास होता है सबसे अधिक, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाना है तो परास निकल आएगा, ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या इसमें आती है 23 और सबसे बड़ी संख्या आती है इसमें 54, ठीक है, ये घटाएंगे तो आता है 31, तो 31 इसका परास हो जाएगा। दोस्तों इसको रेंज भी कहते हैं, एक वर्ड और यूज होता है रेंज, तो इसको रेंज भी कभी कभी आता है कि निम्न आंकड़ों की रेंज क्या है, यस भी आप इसको समझ सकती हैं, ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 72 का 3। यदि दो रेखाएं किसी बिंदु पर परस्पर काटती हैं तो सीसाभिमुख कोण हमेशा होंगे, अगर दो रेखाएं किसी एक बिंदु को परस्पर काटती हैं तो सीसाभिमुख होंगे हमारे बिल्कुल समान होंगे, जैसे कि एक एक बिंदु जे है, ठीक है,
इसको ये काट रेखा काटती है, ऐसी इसको ये रेखा काटती है, तो ये भाग और ए भाग बराबर होगा, ए भाग और एक भाग बराबर होगा, ठीक है, यही पूछा गया था, तो आंसर हो जाएगा समान। जब नवासी मार्बल को प्रत्येक तीन को एक पैकेट में व्यवस्थित किया जाता है तो शेष बच्ची मार्बल होंगी, इसका भाग देंगे डायरेक्ट निकालने के लिए, तीन का तीन दूनी छः, दो बची, तीन नाम 27, 27 के बाद शेष कितने बच रहा है, 29, दो बच रहा है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा दो। निम्न से कौन ऋणात्मक चिन्ह के साथ उत्तर देगा, बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन 75 है जो, तो ये हमारा बड़ी संख्या में से जो दोस्तों बड़ी संख्या होती है उसका चिन्ह आता है, लेकिन यहाँ पर ये लगा है, ये चिन्ह लगा है, तो ये तो होगा नहीं माइनस, क्योंकि ये आएगा प्लस में आएगा, तो ऋणात्मक होगा हमारा बी, क्योंकि 48 बड़ी संख्या है प्लस 30 छोटी संख्या है, बड़ी चिन्ह का बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, तो आंसर बी हो जाएगा, और इस ऑप्शन से होगा नहीं, ठीक है, ये ऑप्शन तो होंगे ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर मानव फेफड़े दो पतली झिल्लियों के द्वारा ढकी रहती हैं, इसे जो कहलाती है, जो मानव के फेफड़े हैं ये हमारी प्लूरा झिल्ली के द्वारा ढकी रहती हैं, तो आंसर होगा प्लूरा, ठीक है, तो आंसर इसमें ए होगा। निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम मामले में शामिल था, अगर हम बात करते हैं दोस्तों अलीपुर मामले में कौन शामिल था, तो अरविंद घोष है जो, ये हमारा एक सन्यासी बाद में बन गया था, ये हमारा अलीपुर बम मामले में शामिल था, ठीक है, तो 77 का आंसर हो जाएगा यहाँ हमारा ए। प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो विभिन्न तब विभक्त हो जाता है, यह प्रकाश का कहलाता है, क्या कहलाता है प्रकाश का हमारा, तो ये कहलाता है हमारा प्रकिरण, ठीक है, आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वर्गाकार बगीचा है, ये हमारा वर्गाकार बगीचा, इसका परिमाप कितना है 444, 444 में चार का भाग देंगे तो आता है हमारा एक एक एक, तो इसका दोस्तों भुजा कितनी आ गई, 111 भुजा आ गई, ठीक है, 101 भुजा आने के बाद हम क्या करेंगे इसका, ये 101 भुजा आ गई, 101 भुजा आने के बाद दोस्तों बताना है हमें इसका क्षेत्रफल, तो दोस्तों भुजा स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है, सबको पता होगा, ठीक है, तो इसको 111 का स्क्वायर करेंगे, इसको करने का तरीका होता है दोस्तों, क्या करना पड़ता है, इसको जब भी संख्या आती है एक 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 के बारे में, तो एक 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 का वर्ग करना है आपको, तो इसको 1 2 3 लिख दीजिए, 1 2 3 लिख देने के बाद क्या करना है आपको, फिर वापसी होना है 3 से छोड़ के 2 1, तो आंसर हो जाएगा हमारा 123 21, ठीक है, जैसे कि इसका आंसर हमारा ए होगा। अगर जैसे आपको एक और बताएं हम, जैसे कि 1 1 1 1 करना है, इसका वर्ग करना है आपको, तो इसको सबसे पहले लिख दीजिए 1 2 3 4, चार बार अंक है, चार बार लिख दीजिए, एक कम करके फिर लिख दीजिए 3 2 1, मैं ऐसे बोल रहा था, ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा आपको ये। एक त्रिभुज की भुजाएं 1:3 1/4 1/5 के अनुपात में है, इसका लासा कितना आता है 60, ठीक है, 60 से काटेंगे 20 15 12 इसकी भुजाएं जो अनुपात आ गया 20 15 12, ठीक है, बताना क्या है सबसे छोटी भुजा, तो 94/12/47 47 से काटेंगे 2 बार 94 कटेगा 12 2 24, इसकी भुजा आ जाएगी सबसे छोटी भुजा, तो आंसर होगा इसकी सबसे छोटी भुजा ए होगा, ठीक है। सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक है, अगर हम बात करते हैं सुपारी की, सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है, मसालों का भी केरल है, ये भी आपको पता होगा, तो आंसर होगा बी। बौद्ध धर्म साहित्य संबंध किस भाषा में लिखा गया है, दोस्तों बौद्धों की भाषा पाली थी, आंसर होगा पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 36 आदमी एक कारखंड को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, 27 आदमी उसी कारखंड को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो हम देख लेते हैं 36 आदमी कितने में करते हैं 18 दिन में, और 27 करेंगे 100 दिन में, ठीक है, बैलेंस करके करेंगे इसको, 9 4 36 9 3 27 3 6 18 6 6 24, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर होगा इसका 24। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है, दोस्तों फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश हमारा है जो कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन नर्मदा बचाओ आंदोलन का एक प्रमुख नेता था, मेधा पाटेकर जो हमारी एक बहुत ही प्रसिद्ध नेता थी अब नर्मदा बचाओ आंदोलन से, ठीक है, और आपको जो यूट्यूब पे विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, ऑप्शन अकॉर्डिंग देखेंगे हम लोग, वेटिकन सिटी हमारा विश्व का सबसे छोटा देश है। उच्च वोल्टा संरचना में कॉपर की अपेक्षा एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है, दोस्तों इसकी बेहतर क्या कारण है कि कॉपर दोस्तों सबसे अच्छा होता है, चांदी से अच्छा तो नहीं होता है, लेकिन एल्युमिनियम से तो अच्छा होता है, लेकिन ज़्यादातर यूज क्या होता है, ज़्यादातर प्रयोग होता है हमारा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम इसलिए प्रयोग होता है, ये सस्ता है थोड़ा, ठीक है, कॉपर से, और इसको आसानी से उपलब्ध है, तो आंसर होगा हमारा सस्ता और आसानी से उपलब्ध है, ठीक है, डी होगा आंसर। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई है, अगर हम बात करते हैं दोस्तों पंचतंत्र की, हमारी विष्णु
शर्मा द्वारा लिखी गई है, तो आंसर होगा बी। जीवाणु किसके कारण कॉलेरा होता है, जो जीवाणु है किसके कारण कॉलेरा होता है बताना है हमें, तो ये हमारा होता है विब्रियो के द्वारा, ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा विब्रियो के द्वारा। पुरुष में कितने अंडाशय होते हैं बताना है हमें, पुरुष में होती हैं हमारे 2 अंडाशय, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। 414 रुपये को 3 भागों में बांटना है, ए बी का अनुपात कितना दिया है 2:3, ए अनुपात बी दिया गया है 2:3, ठीक है, और बी अनुपात सी दिया गया है 5:7, ठीक है, तो इसको करने के लिए दोस्तों हम एक तुलना करते हैं इसकी, क्योंकि बी इसमें कॉमन है, ठीक है, तो इसको करेंगे हम लोग कैसे, इसको करेंगे हम लोग ऐसे 2:3:5:7, तो या तो हमारा 2×5=10, 3×5=15 और 7×3=21, 10×15=21 का अनुपात हो जाएगा, 10×15=21 बताना है हमें। 414 को बांटना है हमें, किसका मत बताना था हमें, ए का, तो एक हमारा 10 आया था, ये टोटल आया था हमारा 10, 10, 20, 30, 40 और 46, ठीक है, ये काटेंगे हम लोग कितनी बार कटता है, 2 से काट लेते हैं 23, 2 से काट लेते हैं 5, 23×1=23 और 8 भी और कटता है, तो 18×5=90 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसको गुणा करेंगे 18×5 का, तो 18×5=90 रुपया ये का भाग हो जाएगा, ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से किसका विद्युत शक्ति उत्पादन सर्वाधिक योगदान है, दोस्तों तापीय ऊर्जा को कहते हैं हम लोग थर्मल पावर, ठीक है, तो इसका सबसे ज़्यादा उपयोग भारत में लगभग 78% तक है, ठीक है, हमारी कोयला से बनती है बिजली। कवक का अध्ययन कहलाता है, अगर हम बात करते हैं दोस्तों कवक के अध्ययन की, तो कवक के अध्ययन कहलाता है हमारा माइकोलॉजी, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ये हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर। ग्रीष्म ऋतु की लघु अवधि के दौरान एस्किमो का मुख्य कार्य क्या होता है, दोस्तों जो एस्किमो होते हैं ये हमारे गर्मियों में अपनी शिकार करते हैं, तो शिकार करने के बाद उसको इकट्ठा कर लेते हैं, साल भर खाते हैं, जैसे कि हम लोग गेहूँ उगाते हैं अपने खाने के लिए, ऐसे ही गर्मियों में एस्किमो होते हैं जो वो शिकार करती हैं, ठीक है, तो आंसर होगा ए। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कठोर धातु है, दोस्तों कब से कठोर धातु पूछी गई है यहाँ पर, तो प्लेटिनम होगा, तत्व पूछता तो हीरा होता है, ठीक है। रूसी क्रांतिकारी कौन था जिसने साम्यवादी दल की स्थापना की थी, कौन सा रूसी क्रांति था जिसने साम्यवादी दल की स्थापना की थी, तो बताना है हमें, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा लेनिन, ठीक है। एक विधेयक जो केवल करों के आरोपण निरसन घटाव या विनियमन से संबंधित होता है कहलाता है, धन विधेयक कहलाता है, धन विधेयक 110 अनुच्छेद में है, पता होगा आपको, ठीक है। के लिए मंगलयान कब प्रक्षेपित किया गया था, दोस्तों बताना है हमें मंगलयान कब प्रक्षेपित किया गया था, तो ये किया गया था हमारा 5/9/2014 को, ठीक है, तो 98 का आंसर हो जाएगा डी। पीटर पार्कर किस काल्पनिक सुपर हीरो का वास्तविक नाम है, तो दोस्तों पीटर पार्कर हमें बताना है किसका वास्तविक नाम है, सुपरमैन का वास्तविक नाम है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सभी देशों की भारत के साथ सीमा है सिवाय, दोस्तों नेपाल की हमसे लगती भी है, और हमारी म्यांमार की हमसे लगती है, भूटान की हमसे लगती है, थाईलैंड की नहीं लगती, ठीक है, तो आंसर थाईलैंड हो जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को दोस्तों लाइक करना बिल्कुल मत भूलें।